नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का एक और यात्रा पे। सबसे पहले तो इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे आप सभी के। मैंने अभी बस ऑफिशियली मैंने दो ही वीडियो अभी तक बस डाले हैं, और उस दो वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। आपका यही प्यार मेरे को मोटिवेटेड रखता है और मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू आप सभी को। मैं रहता हूँ ब्रह्मपुरी में, और ब्रह्मपुरी से 450 मीटर की ही दूरी है महामाया मंदिर। आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं रायपुर आया तो मुझे एक महीने तक पता नहीं था कि मेरे जस्ट बगल में महामाया मंदिर है। एक महीने बाद मुझे फिर पता चला और मैं बहुत खुश हो गया। और मुझे भी इंतज़ार था कि महामाया मंदिर का वीडियो मैं कब बनाऊँ और कब आप सब लोग को दिखाऊँ, तो वो घड़ी आ गया है। तो अभी मैं निकलता हूँ महामाया मंदिर, और वहाँ के अभी तो शाम हो रहा है, रात की आरती मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अभी जाके बस एक कुछ शॉट्स लेके मैं वापस आता हूँ और शाम की आरती आप लोग को दिखाता हूँ। YouTube चलाते हैं? YouTube है। चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये मंदिर तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन कितना पुराना है बता सकते हो? 500 साल। और ये एक मंदिर रतनपुर में भी है, महामाया मंदिर, दोनों सेम है। काली स्वरूप है, वो माई जो है काली स्वरूप, ये लक्ष्मी स्वरूप। हनुमान का जन्म हुआ जी जन्माष्टमी के ऊपर, तो आधा घंटा पहले इनका जन्म हुआ योग माया, यही है महामाया। अच्छा अच्छा। वो क्या नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए थे, यशोदा मैया के गर्भ से, और वहाँ से पैदा होने के बाद यहाँ से वसुदेव लेके गया मथुरा में, और जा करके नंद बाबा के यहाँ छोड़े। नंद बाबा के यहाँ से वो लड़की जो महामाया थी उनको लाए। अच्छा। लाने के बाद फिर से हथकड़ी वगैरह लग गया, फिर से सब कोई जग गए, तब जाके होना चाहिए। एक साथ हुए, ये भी यहाँ हुआ वो भी वहाँ हुआ। ध्वज राजा के द्वारा स्थापित। कौन से राजा? मोरध्वज राजा, मोरध्वज उनके द्वारा स्थापित हुआ। वो राजा रायपुर के थे। लाए अपने गांव ले जाने के लिए लाए। हाँ। लेकिन क्या हुआ, उनका जो पहले काढ़ा बैला था उसी में लाए थे, तो काढ़ा बैला का अस्कूट टूट गया। अब अस्कूट ठीक नहीं करने से ले जा कहां सकते, सही तीन तीन तो माई थी, तो बोले माई बोल के आई थी वहां से, महादेव घाट से लाए थे। क्या बोल के आई कि आप जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाओगे। तो वो 2.5 फुट पहले यहाँ पे रखे थे, 2.5 फुट पहले दीवार से, दीवार से चिपका के रखे, 2.5 फुट पहले रखे, तो वही स्थापित हो गए। अच्छा। हटी नहीं, अभी भी कभी भी नहीं हटी। अच्छा। मैं कोशिश किए हटाने के, अपने साथ ले जाने के लिए अपने राजधानी में नहीं ले जा पाए, तो मजबूरी में इसको स्थापित करना पड़ा, यही बात। धन्यवाद। मैं यहाँ नोटिस किया हूँ, अगर यहाँ गर्भ की से अगर माता को देखें तो वो टेढ़ा रहते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार से सीधा दिखते हैं। इसीलिए तो टेढ़ा है ना, रखे हैं। हाँ। वो स्थापित कभी हटा नहीं सकते। हाँ। 2.5 फुट पहले रखे हैं, बोल रहा हूँ ना दीवार से। हाँ। दीवार के पीछे औला वगैरह रखा जाता था। क्या रखा जाता था? औला नहलाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। पानी वानी पूरा रख देते, पीछे पूरा पानी रखा, ये पूरे मंदिर के बारे में इतिहास है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मंदिर के बाईं ओर आपको देखने के लिए मिलेगा प्राचीन बावली। इस बावली के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये जो है यहाँ का पानी कभी भी सूखता नहीं है, और ऐसी मान्यता है कि इस पानी से ही
देवी माता जितने भी हैं यहाँ उनको नहलाया जाता था, और नवरात्रि के समय में जितने भी आप लोग जानते होंगे भोजली, जितने भी भोजली हैं उसको यहाँ ही विसर्जन किया जाता है, जो कि अभी भी किया जाता है। बहुत ही प्राचीन बावली है ये भी, एक बहुत बड़ा इतिहास है ये। इसमें जब भी नवरात्रि होती है तब इसमें वो जो ज्योति रहती है उसे किसी में ठंडा कर देते, लेकिन रात को ही करते हैं, इसलिए यह प्राचीन बावली। रात को ही करते हैं? हाँ रात को ही करते हैं, रातों रात किसी को पता नहीं चलता कितना बजे होगा ये भी पता नहीं चलता। और मंदिर के पीछे आपको गौशाला देखने को मिलेगा, चलिए गौशाला देखते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मैं बताऊं तो मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग जैसे कि लगातार देख रहे हैं दो लगातार मंदिर के वीडियो आ चुके हैं, और ये महामाया मंदिर तीसरा होगा। और मंदिर के ये और इस महामाया मंदिर के वीडियो आने के बाद हो सकता है मैं कुछ दूसरा कंटेंट लेके आऊँ, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए मेरा। एक चीज़ और मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब बनाने के लिए मुझे एक साल का वक्त लगा है, लिटरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यूट्यूब का चैनल मेरा बहुत पहले से था, नाम था आकाश बैकपैकर करके, उसको मैंने अभी अभी चेंज किया यात्रा विथ मॉन्क में। तो एक साल मुझे लगा खुद को प्रिपेयर करने में, बहुत ही डिमोटिवेटेड रहता था मैं, जब भी कैमरा फेस करने के लिए टाइम आता था तो मेरा चेहरा उतर जाता था। तो ये चीज़ के ऊपर में मैंने बहुत काम किया, और आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मैं आप लोग से निवेदन करूँगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस देखते रहिए कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा आने वाला है। मंदिर के दाहिने ओर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा श्री संगमेश्वरी देवी का मंदिर, चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। अच्छा चीज दिया हुआ है जानकारी, छत्तीसगढ़ में श्री राम वन कमन मार्ग, छत्तीसगढ़ में श्री राम जी जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं वहाँ वहाँ का पद यहाँ पर। अगर आप लोग ये मंदिर अगर आना चाहें तो ये मंदिर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, और जय स्तंभ चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बूढ़ा तालाब आते हैं और बूढ़ा तालाब से अगर आके आप अगर पूछते हैं महामाया मंदिर कहाँ है, तो वहाँ से भी आपको आसानी से बता दिया जाएगा।